सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी मौखिक कंटेस्ट जहां आपको फेस टू फेस उत्तर देना पड़ता है, उसमें आपका स्वागत है। आज के जो सेट तैयार किया गया है उसमें पहला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर तो है प्रकीर्णन, लेकिन पूर्णतः जानने के लिए है कि पृथ्वी का तीन हिस्सा जल है, जल का रंग नीला होता है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते यहाँ आकाश का रंग आपको नीला प्रतीत होता है, वास्तव में आकाश काला होता है। प्रश्न आगे है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकांड्रिया। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी किस लेंस का प्रयोग? अवतल लेंस। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है न्यूयॉर्क। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण देन है? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेटी। ये राजा राम मोहन के साथ मिलकर इसका उन्मूलन किया था। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? रेबीज। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा गुप्त शासक था जो शांति प्रिय था एवं जिसने वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा मुगल शासक था जिसने अपने डायरी में फूल पत्ति एवं बगीचों का वर्णन किया? बाबर। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? मार्क्स ने। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। सल्फ्यूरिक अम्ल किसका एंड्रेहाइड्राइड है? SO3 का। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। चलती गाड़ी में बैठे आदमी को कौन सी ऊर्जा होगी, यानी चलती गाड़ी है उसमें आदमी बैठा है तो उस पर कौन ऊर्जा आती है, कौन ऊर्जा लगती है? गतिज ऊर्जा। प्रश्न आगे है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह। नाबार्ड क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को। प्राकृतिक कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित हैं, ये बात किसने कहा था? रूसो ने। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। पपेती धर्म किससे संबंधित है? पारसियों से। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था।
कुका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राम सिंह ने किया था। अवेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसने लिखा था? आर के नारायण ने। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। शब्द तेजड़िया और मंदड़िया किससे संबंधित हैं? तेजड़िया मंदड़िया किससे संबंधित हैं? उत्तर है स्टॉक बाजार से संबंधित शब्द है। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? खगोल शास्त्र से। दिल्ली सल्तनत काल के वंशों का सही काल क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इस ढंग से वंश दिल्ली पर आए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? अकबर के काल को ऐसा कहा गया है।